वो भी एक तो लेके आया था, किया आपने हकीकत में श्री राम वाला था कि नहीं था वो? अब ये जो जिससे अभी आज हम मिले शेख से, वो बोल रहा है ये तो हमारे में नौकरी करते थे कभी छोड़ दिए। क्या कौन क्या क्या नाम बताया इसका जो नौकरी करता है? नितिन विश्वकर्मा बता रहा है नाम उसका। अच्छा, और ये जो है 7569302 14, ये जो आया बाद में, कल जो लड़का है पेमेंट ये ले गया। क्या नाम बताया था फोन पे? रोहित। अभी तो अभी लगा था सर, इंदौर से लगाया था मैंने, राम में आपने से फोन लगाया था तो बोले मैं देवार से बोल रहा हूँ। हाँ, मैंने ना यार कल तुम पॉलिसी दे गए तो बोले मैं नहीं जानता कौन है, और ये नंबर तो कल से नहीं लगा। ये फर्जी है, इसलिए इसमें बंद कर रखा है। इंश्योरेंस आयकर लेवल। हाँ, क्या घटनाक्रम हुआ आपके साथ कल? सर मेरे साथ में इंदौर से फोन आया था कि मैं पेमेंट लेने आ रहा हूँ करके, आपकी पॉलिसी लेके आ रहा हूँ श्री राम फाइनेंस से, इंश्योरेंस कंपनी से। और वो आया बंदा उनका रोहित नाम का, और मुझसे पॉलिसी देके गया, 30,000 रुपये लेके गया। आज फिर बाद में मेरे कहीं श्री राम से फोन आया कि बोले ये पॉलिसी नकली है। फिर हम वहाँ श्री राम में गए, उनको चेक कराए तो उन्होंने बताया नकली ही है, और बोले आप रिपोर्ट डालो करके, और हम भी हमारे स्तर पर काम करेंगे। रोहित जी, किस चीज़ की पॉलिसी थी ये? आयसर गाड़ी की थी, मेरे कहने गाड़ी है 11-10-11-10 MP09GF 3662 नंबर है उसका, उसकी पॉलिसी मैंने लिया था, इंश्योरेंस करवाया। आपको पहले जब आपने बताया कि आपको श्रीराम से फोन आ रहा था, तो आपने कंफर्म किया श्रीराम से कौन फोन कर रहा था आपको बार बार? उनने पहले तो आकाश नाम बताया था, फिर बाद में जो बंदा है उनने ये नितिन विश्वकर्मा के नाम से देखे किया। तो नितिन से आपकी बात हुई है क्या? कल हुई थी ना सर। तो क्या बताया नितिन ने? क्या